और रिवायत के अंदर देखिए बिहारुल अनवार की 75वीं जिल्द के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की हदीस है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि गीबत का तर्क करना अल्लाह को 10,000 रकात नमाज मुस्तहबी से ज्यादा महबूब तर। 10,000 रकात आप उठा के कैलकुलेशन करके देखें कितना वक्त इसके अंदर लगता है कि 10,000 रकात आप नमाज पढ़ें। एक तरह की गीबत से इतना ज्यादा सवाब आपको मिलता है, जुबान पे आ रही है हमारे गीबत, हम बस अभी जबान से निकली के निकली और अपने आप को खौफ खुदा रखते हुए इंसान रोक ले, 10,000 रकात नमाज मुस्तहबी से ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो बहरहाल ये एक बड़ा बेहतरीन एक तरीका है। इसी तरीके से ईरान वगैरह के अंदर तो एक चीज बड़ी कॉमन है कि जहां झगड़ा और तकरार होने लगता है आपस में, कितनी जगह हम देखते हैं एयरपोर्ट पर, हज के मौके पर, ज़ियारात में, जहां जरा लोग आपस में जरा लड़ते झगड़ते लगते हैं, ईरानी करते हैं आकर फौरन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात का एक नारा लगाते हैं, लोग बावाज़े बुलंद दुरूद भेजते हैं, वो झगड़ा करने वाले, वो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। तो वाकईतन इसके अंदर बड़ी एक जबरदस्त सलाहियत है, पावर है दुरूद के अंदर, के जो इस तरह से बहस व तकरार और झगड़े बीच से रफा हो